प्रेजल और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे रहोगे। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने मेरे घर पे ना पंखा लगाया, ऊपर का पंखा। हमारे घर पे ना नीचे का पंखा था, पर वो उसका जो स्पीड था ना वो बहुत कम होता था और बीच बीच में ना वो ख़राब भी होता था। तो मैंने उसको ना 3-4 बार ना रिपेयरिंग किया। रिपेयरिंग मतलब दुकान से नहीं किया, मैं मेरे घर पर मतलब रिपेयरिंग करता था। मुझे रिपेयरिंग के बारे में पता नहीं था कि छोटा पंखा जो रहता है ना, टेबल पंखा जो ज़मीन के ऊपर रहता है, तो वो रिपेयरिंग कैसा करता है मुझे पता नहीं था। मतलब उसके अंदर अगर कचरा बितरा जमा हुआ रहेगा ना, तो रिपेयरिंग का मुझे पता नहीं था कि उसको खोलने का कैसा, फिट कैसा करने का था। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब के जो वीडियो रहते हैं ना, पंखा कैसे रिपेयरिंग करते हैं, कैसा खोलते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, वैसा मैंने उसका वीडियो देखा। और फिर मैंने नीचे का पंखा है ना वो साफ़ करना मैं सीख गया, पर तभी भी वो ना ख़राब होता था। तो मैंने क्या किया, अभी माँ गई है बाज़ार में, माँ गई बाजार में सब्जी लाने के लिए, और माँ के साथ में मेरा जो बड़ा भाई है वो भी गए हैं। आप देख सकते हैं अभी घर में कोई नहीं ये देखो घर में कोई है क्या? देखो घर में कोई नहीं। अगर आपको लगता रहेगा पीछे रहेगा तो मैं आपको पीछे का साइड भी दिखा देता, हमारा इतना ही घर है। ये देखो कोई है क्या घर में? देखो घर में कोई नहीं है। माँ कभी भी किचन में रहती है, आपको किचन भी दिखा देता हूँ मैं ऐसा घूम जाता हूँ। देखो किचन में कोई है क्या? ये देखो ऊपर भी दिखा देता, देखो आपको नहीं किचन में। तो माँ अभी मार्केट में गई है सब्जी लाने के लिए और भाई भी गया है। तो मैंने क्या किया, मतलब क्या, हमारे पास ना जूना पंखा था ऊपर लगाने वाला, तो ऊपर वाला पंखा ना मैंने लगा दिया है। तब तक अभी माँ आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी, अरे वाह मेरे बेटे ने अच्छे काम किए कुछ। अभी ऊपर का पंखा लगा है ना, हम लोग का अभी टेंशन नहीं रहेगा। बहुत गर्म होता था गर्मी के टाइम पे और अभी भी गर्म हो रहे हैं। अभी नीचे का पंखा भी लगाया है, नीचे का पंखा पहले भी था, अभी ऊपर का पंखा लगा दिया। अभी माँ तो बहुत खुश हो जाएगी और मेरा भाई तो एकदम बहुत खुश, क्योंकि उसको सोना बहुत अच्छा लगता है। आपको सोना लगता है? आपको मतलब नींद में सोना अच्छा लगता है तो बताओ, कभी रात को नहीं और दोपहर के टाइम पे? अभी मैंने ऊपर का पंखा लगा दिया है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर का पंखा। ये देखो दोस्तों, ये मैंने ऊपर का पंखा लगा दिया है। देखो ये मैंने खुद ही फिटिंग कर लिया है, किसी भाई को मैंने जो पैसा लेके लगाते हैं ना भाई, 100 रुपये लेते हैं, 150 रुपये लेते हैं पंखा लगाने का, तो उनको मैंने बुलाया नहीं पंखा लगाने के लिए, मैंने खुद ही पंखा लगा दिया। क्योंकि ये पंखा लगाना भी जो ऊपर का रहता है ना, ये भी मैंने यूट्यूब का जो वीडियो रहता है ना उसमें से सीखा कि पंखा कैसे लगाया जाता है। और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये मेरा जो टेबल पंखा है ना, ये बार बार ना ख़राब होते रहते हैं। मतलब अभी इसको 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में ये बहुत ख़राब होता है, क्योंकि मिट्टी बिट्टी जाता है ना बाहर का, तो उसके अंदर ना मतलब पूरा कचरा जमा होता है, तो पूरा पकड़ लेते हो। पर ये पंखा तभी भी ठीक है, इसको मैं रिपेयरिंग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में कैसा रिपेयरिंग करने का। अभी ये ऊपर का पंखा लगा दिया है, तो अभी इसको मैं आपको ना चालू करके दिखा देता हूँ। पर इसमें ना एक प्रॉब्लम हुआ था, ये पंखा मैं लिया था तब, फिर मतलब ठीक तरह से चालू था, पर बीच में नहीं ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको रिपेयरिंग भी किया है, और कितना खर्चा आया है ना, और इसको मैं अगले वीडियो जाएगी ना उसके बारे में बताऊंगा कि इसका पंखा रिपेयरिंग करने का कितना खर्चा आया है और इसके अंदर ना क्या रिपेयरिंग मैंने किया। तो अभी आपको ना मैं पंखा चालू करके दिखाता हूँ, तो अभी आपको मैं पंखा चालू करके दिखाता हूँ। ये देखो ये पंखे का बटन है, अभी इसको मैं चालू करता हूँ। देखो अभी ये घुमा लेता हूँ मैं, ये घुमाने वाला रहता है ना पंखा। देखो अभी आप पंखे का आपका आवाज आता रहेगा। देखो ये देखो और फास्ट किया, देखो मैंने ये देखो और फास्ट किया ये देखो अभी पंखा आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो ये देखो कितना फास्ट चल रहा है। देखो आपको अभी दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ। हाँ ये देखो देखो कितना पंखा फास्ट चल रहा है अभी अभी गर्मी का कोई टेंशन ही नहीं आ रही थी। और ऊपर जो था ना एकदम लास्ट में एकदम कॉर्नर में पंखे का, तो वहाँ पे ना ढीला था, तो पंखा बहुत ढीला था ना, तो मैं ऊपर चढ़ा, यहाँ से ऊपर चढ़ा मैं, ये हमारा ड्रम है पानी का, तो यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा, खिड़की के ऊपर पेड़ रखा और बाद में उधर एक पेड़ रखा। ये साइड में किया मैंने, ये जो टप है और ये प्लास्टिक का जो बाल्टी है साइड में किया, ऊपर चढ़ा मैं और ऊपर से फिर ऐसा होके फिर मैं ऊपर चला गया। तो ऊपर क्या किया, मेरे पास ना हथौड़ी था, तो हथौड़ी से मैंने जो ऊपर का पाइप के पंखे का जो सपोर्ट है ना
उसको क्या बोलते समझ में आता है, पर उसको क्या मालूम क्या क्या मालूम, मैंने लकड़ी लगा दिया उसके अंदर, लकड़ी फंसा दिया। अभी मैं आवाज इसका ना स्लो कर देता हूँ, पंखा का जो स्पीड है ना वो स्लो कर देता हूँ, आपको मेरा आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं देता रहेगा। अभी ये पंखा बहुत स्लो कर देता हूँ, चलो ये देखो अभी पंखा बहुत स्लो हो गया, क्योंकि इसका जो स्पीड है ना ये स्पीड फास्ट करने का स्लो करने का, हाँ ये अभी मैंने मतलब मीडियम रखा है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो अभी माँ आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि माँ बहुत मेरे पीछे लगी थी, ऊपर का पंखा था मतलब ऊपर बिठाया नहीं था, ऊपर पोटमाला है ना उसके ऊपर रखा था मैंने, पर सोचा बाद में लगाऊंगा, अभी लगाऊंगा तभी लगाऊंगा, ऐसा कर करके ना बहुत परेशान हो गया था मैं। और माँ भी मेरे को ना बहुत पीछे लगती थी, पंखा लगा ऊपर का पंखा लगा, नीचे का खराब होता है, रात को पूरा गर्म होता है, दोपहर में ज़्यादा गर्म होता है, रात को भी गर्म होता है पर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो माँ बहुत मेरे ऊपर बहुत पीछे लगती थी, कभी कभी चिल्लाती थी, क्या करते है तू, दिन भर वीडियो बना देता है और दूसरा कुछ काम धंधा करता नहीं है, सिर्फ मोबाइल के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, पंखा लगा। तो अभी मैंने पंखा लगा दिया है, अभी माँ देखो बहुत खुश हो जाएगी, माँ मार्केट में गई है, माँ जैसे आएगी ना तो देखिएगा अरे वाह मेरे लड़के ने पंखा लगा दिया बहुत अच्छा काम किया। अभी क्या बताएगी, मैं अभी इसका वीडियो दूसरा वीडियो डालूंगा माँ आने के बाद, तो मैं आपको उस वीडियो में माँ कितना खुश हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। और मेरे जो फैमिली रिलेटिव मेरी है उन लोग भी बोल रहे थे कि तेरा वीडियो हम लोग देखते हैं तो ऊपर का पंखा नहीं लगा देता, नीचे का पंखा लगा देता, कितना गर्म होता रहेगा, वीडियो बनाते समय भी गर्म होते रहेगा। तो उन लोग को भी अच्छा लगेगा अभी ये वीडियो देख के, और इसके अगली वाली जो वीडियो डालूंगा ना मैं वो देख के भी उन लोग मतलब फ़ोन करेंगे मुझे, अरे हाँ मनोज ने कुछ अच्छा काम कर दिया। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो मेरा कुछ ऐसा घर है, जो मेरा जो पहला वीडियो था ना ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, मनोज खराटे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो पहले वीडियो के अंदर ना मैंने मेरा पूरा घर है ना दिखाया था कि क्या किधर है, तो उसके ऊपर वो भी वीडियो अच्छा बना ठीक तरह से, और बहुत लोगों ने मेरे जो दोस्त लोग हैं उन लोगों ने बहुत पसंद कर दिया और सब्सक्राइब भी किया उसके ऊपर। तो आप भी यह मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा फेसबुक चैनल भी है उसके ऊपर भी जाके लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो घंटी का बटन है ना उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी मेरी माँ आएगी, अभी देखो क्या होता है। ये देखो ये अभी ऐसा मेरा घर है, ये कपाट है हाँ, और ये माननी है, और ये हमारा किचन है, ये अभी अंदर रहेगा तो कुछ दिखा नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चलो।